साथ में बैठ के पूछे वो स्कोरिंग सिक्स ओवर पता नहीं <laughs> किसी भी प्लेयर को कोई भी फॉर्मेट हो एटलीस्ट पांच मैच दो कुछ गड़बड़ होगी तो बचा लोगे ना सही बात है सुरेश वापस गाड़ी पटरी पे आ चुकी है रन्स बन रहे हैं आईपीएल भी शुरू हो गई है आईपीएल में भी अच्छा वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो आपने बोला ना आईपीएल जब दो हाँ। से फर्स्ट टाइम ऑक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया में

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन कैसे रन होती है इंडिया सीमेंट का है, और है का है। है। करेक्ट, है। करेक्ट। और जब आई पी आईपीएल आए तो एक चीज़ जैसी हुआ तो तो ही चीज गए उससे रूम में साथ मोकल हो या फिर मखा एंटनी हो या खुद आप देखेंगे बद्रीनाथ हो या माइकल हसी जब धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिनको हम अगेंस्ट खेलते थे जो स्लैच करते थे अभी साथ में बैठ के पूछ रहे वॉट द स्कोर कहा पता नहीं तो इंटरेस्टिंग हुआ सारा उसके बाद मतलब एक सीखने को बहुत मिला इतना फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम कैरेबियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका उस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर भी खेलते थे आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट ऑरिजन के प्लेयर थे श्रीलंकन प्लेयर तो बड़ा सीखने को ही। मुझे लगा ये ना डेढ़ महीने की बहुत तगड़ी पाठशाला है और एम एस धोनी उस पाठशाला के कप्तान है और वहाँ से जब स्टार्ट हुआ आई अब जैसे हम आज रिंकू सिंह को देखते हैं आपने जैसे यशस्वी जयसवाल बड़े अच्छी फॉर्म में निहाल वडेरा अच्छी फॉर्म में तो मैंने कहा ये तो प्लेटफॉर्म पहले होना चाहिए था पहले आप इंडिया खेले उससे पहले इंडिया जब आप जब में खेल रहा होगा तो रणजी ट्रॉफी थी रणजी ट्रॉफी खेलोगे तो इंडिया खेलने को मिलेगा इंडिया के लिए खेल रहे हो देवदेव ट्रॉफी वगैरह तो चलो वनडे मिल जाएगा फिर इंजरी होती है इंजरी अभी आप इंजर्ड ही हो और उसके बाद जब आप इंजरी से ठीक उठते हो तो पता चलता है अरे एक और फॉर्मेट आ गया इस दुनिया में क्योंकि टी उससे पहले नहीं था सुरेश सुरेश्वेंटी तो खेल के हम बड़े नहीं हुए हैं हम वो साउथ अफ्रीका में एक मैच हुआ दो हजार में वो पाजी सबका डेब्यू था वो पहला ही मैच इंटरनेशनल इंडिया ने दो मैचेस रखे थे साउथ अफ्रीका वहाँ शेन बोलक और सारे जितने वो थे वो उसमें पाजी श्रीनाथ सब खेल रहे थे धोनी भाई भी घंटे तो में खेला, थक 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 थक, दो टेस्ट मैच आप देखोगे कि पांच दिन वो भी अगर लास्ट में पार के ड्राई होने वाला है चलो इसको पंद्रह ओवर वो जो होते फिर नया फॉर्मेट आया तो लेकिन जो इंजरी के बाद मैंने थोड़ा प्रैक्टिस मैचेस बहुत खेला चाहे वो कहीं भी टूर्नामेंट हो मुझे सिर्फ तीन घंटे ग्राउंड पर बिताने थे फिर अपना नी देखना था कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही नहीं। कहीं मेरा काफ मसल तो टैर तो नहीं हो रहा मेरा हैमस्ट्रिंग कहीं टाइट तो नहीं है फिर मैं योगा बहुत करता था स्ट्रेचिंग बहुत करता था मैंने एजिलिटी पे बहुत काम किया उसके okay. बाद तो उससे मेरी मसल बहुत स्ट्रेच होती थी तो उसमें ताकत मिलती थी वो देसी हैं यूपी से तो पता है सारा इतना बेजोड़ सारे पहलवान इधर भी मिट्टी उधर भी मिट्टी तो वो माइंड मेरा सेट था कि नहीं यार इसको तो ठीक करना फिर आपने अच्छा बोला कि आई स्टार्ट हो गया फिर उस टाइम दो करोड़ साठ लाख पहले सीजन हाँ। अभी देखे नहीं इतने पैसे इनको हाँ। पैसे भी आ रहे हैं राइट क्रिकेट भी छोटा है कप्तान भी एम एस धोनी है क्यों हम इसको क्यों ना जिताएं अगर जीतेंगे तो अगले बार और कंट्री खेलने को मिला फिर वहाँ से टेक ऑफ स्टार्ट दो हज़ार में पहले साल ही फाइनल खेले फिर उसके बाद हम लोग कोई टूर था बांग्लादेश गए श्रीलंका गए फिर वो टूर स्टार्ट हो गया फिर एक ऐसा रूटीन हो गया था हर साल पता है डेढ़ महीना आई पी है यहाँ रन बनाओ उसको लॉक करो अगले साल आएंगे बार लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस करना है वनडे में करना है ट्वेंटी ट्वेंटी में जब भी फ्री होंगे अपने स्टेट के लिए अच्छा करना है कंपनी के लिए अच्छा करना है करेक्ट तो उसने मैचेस बड़े खेलते थे बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैच प्रैक्टिव और हमें बोला जाता था चाहे वो ग्रेक चैपल थे चाहे वो राहुल भाई थे चाहे वो मास्टर ब्लास्टर पाजी थे जो भी फ्री है शूट का टाइम निकालो लेकिन कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं मिस करेगा कोई ऑफिस के मैच अगर खेलना चाहता है खेले लेकिन कोई यूपी हो महाराष्ट्र हो डेली हो मैच खेलने जरूरी कोई उसमें प्लान भी नहीं है दो हज़ार में टेस्ट सेंचुरी डेब्यू हुआ सेंचुरी हाँ राइट right. तो सुरेश रायना बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू तो स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स वनडे uh, की सेंचुरी हो चुकी है टेस्ट की हो गई है अब टी ट्वेंटी की भी हो गई है मतलब तीनों सेंचुरी बन चुकी हैं। uh, उस समय जब सेंचुरी बनी मिडल ऑर्डर में जगह बहुत क्राउडेड रहती थी हमेशा ये इंडियन बैटिंग का है कहानी uh, तो सेंचुरी के बाद लग रहा था कि अब हो गया क्योंकि

जब डेब्यू में हंड्रेड बना तो उसके बाद मुझे लगा दूसरे में पचास बना फिर धीरे धीरे अच्छा लगा व्हाइट बॉल से ज़्यादा रेड बॉल पसंद आने लगी क्योंकि okay. सारे फील्डर ऊपर रहते थे राइट right. शैली खेलने की थोड़ा अटैकिंग थी जब डेब्यू में पाजी ये बोलते थे कि वीरू भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा बात बोला था ये सबसे से ईजी फॉर्मेट है जो स्ट्रोक प्लेयर हैं थोड़ा टेक्निक अच्छा हो टाइम अच्छा हो फिटनेस अच्छा हो और देख खराब टाइम भी आएगा जब अच्छा टाइम और रन बनाते रहो खूब बनाने का फिर सब प्लेयर ऊपर हैं फिर एक एक कैरेक्टर होता है एक आपका टाइम होता है किस टाइम पे करना है मैं भी फॉर्चुनेटी अट्ठारह टेस्ट मैच खेला उतना नहीं खेल पाया जितना खेल सकते थे बट देश के लिए एक एक मैच खेला हुआ एक एक टेस्ट मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इज़ दैट अ रिग्रेट क्योंकि ये सवाल जब हम खेल रहे होते हुँ? हैं क्योंकि कोशिश हम तो यही करते हैं देखो हुँ? कि अगर ये फॉर्मेट खेले अच्छा किया दूसरे में अच्छा कर ही रहा हूँ फिर उस फॉर्मेट में दोबारा नाम नहीं आ रहा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मुझे ये वाला दोबारा खेलना है यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गई कुछ कम रह गया और मुझे करना है कभी रिग्रेट रिग्रेट हुआ हुआ ऐसा कि नहीं टू बी आई थिंक मुझे लास्ट टेस्ट में मौका मिला था सिडनी में okay. मैं दोनों जीरो पे आउट हो गया था वो okay. अगर एक इनिंग अच्छी होती एक तो टेस्ट मैच बचा रहे थे वो पिछले पे आउट हुआ वो अपना स्टार्क पे वो मुझे लगता है वो दो जीरो से लगा कि अभी आई थिंक ये वाइट बॉल प्लेयर है थोड़ा इसको खेलने दो फिर मुझे लगा कि मैं टेस्ट मैच मुझे खिलाएंगे नहीं तो मुझे पता है ये मेरा लास्ट टूर है बट इज दैट अ प्रॉब्लम विद इंडियन क्रिकेट कि हम थोड़ा सा वो पिजन होल कर देते हैं कि नहीं एक टेस्ट में मिला था अगर मुझे लगता दो मिलते बट बर... नहीं वही मेरा सी अगर मैं करूं कि आठ इनिंग्स लगातार दी और आठ इनिंग्स में आपने कुछ नहीं किया उन्होंने कहा चलो भाई बस्ता पैक करो नहीं।, नहीं होता इससे पर क्योंकि

पांच सीरीज का मतलब है आपके मिडिल ऑर्डर में पांच सीरीज में मान लो पांच पंद्रह मैचेस होंगे या कहीं दो मैचेस खेल रहे हो आप मिडिल ऑर्डर खेल रहे हो छह सात नंबर तीन मैच में तो बैटिंग आएगी आएगी करेक्ट उसमें आपको फील्डिंग अच्छी करनी है बॉलिंग अच्छी, कभी प्रेशर हो तभी आप, आप एक अच्छी बॉल करोगे आउट हो गए उस टाइम डीआरएस नहीं था अंपायर भी गलत आउट देगा तो वो चीजें भी जहन में रहती थी स्ट्राइक रेट अगर आप जोर से मार रहे हो कितनी तो स्लीपलेस नाइट गई है ओके चार सौ रन बने एक पचास नहीं इसको ड्रॉप करो वो वैसे देखते थे स्ट्राइक रेट है सौ का और एवरेज है सत्तर का पचास नहीं, 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 नहीं बनाया इसने क्या बैटिंग है और दूसरे को देखो दो पचास बना के आया वो तीन पे खेलता है पचास बनाएगा ना तो वो बड़ा रहा है हमारे साथ कभी ये आया दिमाग में कि यार, कि यार अगर मैं तीन पे खेलूं कि अगर तीन पे खेलने का मौका मिले तो जितने पचास है उससे ज्यादा सौ हो जाएंगे क्योंकि मौका मिलता है ना सी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप मतलब चाहे वो टी ट्वेंटी या वनडे हो फैक्ट है इसकी वन टू थ्री के पास सबसे ज्यादा मौका होता है उसके बाद जो होते हैं मौके थोड़े कम होते जाते हैं और सबसे मुश्किल काम है नीचे बैटिंग का बिल्कुल हाँ तो नीचे तो, तो आपने खेली बहुत सारी क्रिकेट है नीचे खेली तो नीचे नीचे है बिल्कुल और आई वॉज फॉर्चून इनफ टी ट्वेंटी ट्वेंटी में तीन नंबर खेला करेक्ट वो मेरा शैली जो मेरा गेम था ऊपर का मुझे ट्राई किया लेकिन मुझे याद है दो में मैं कैप्टन था जिम्बाबे हमारी टीम गई थी वहाँ हम खेले तो गैरी ने बोला देखो यू विल नॉट Okay. ये जहन में रखना खेलोगे okay. फिर धोनी ने भी ये बोला धोनी देखो मेरे पास, प्लेयर है, मेरे पास नीचे प्लेयर नहीं है कहा जाते तो मारेंगे अगर कुछ गड़बड़ोगे तो बचा लोगे नाकिंग <laughs> भाई खुद अटैकिंग प्लेयर फिर भज्जू पा फिर उसके बाद जहीर भाई फिर उस टाइम पे यूफ भी बहुत अच्छा कर रहा था मैंने कहा बचा लेना दो तीन मैच के बाद अगर कुछ लगेगा अरे नहीं वो कोच ने बना रखा है टेंशन नहीं फिर दो हजार वर्ल्ड कप जब आप बात करें दो हजार नौ में फर्स्ट एवर टाइम न्यूजीलैंड में जीते 2008 में कभी श्रीलंका में जीते थे वहां पर हम जीते, जीते वहाँ दो सौ दस रन बने दम्बूला हो या फिर हमन टोटा हो या प्रेम दास हो वहाँ एक अलग ही स्विंग होने लगती है फिर हम जाके डिफेंड करना तीन तीन रन न्यूजीलैंड में चार रन बनाए उसके बाद दो वर्ल्ड कप जब जीते उसके बाद दो स्टार्ट हुआ फिर वही जो आप बोल रहे हैं ना फिर एक बिलीव हो गया वो कि उस टाइम सिर्फ यही था कि खेलना है पर दूसरा काम नहीं आता दूसरा से ये कि रिकवरी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और खेल को बहुत रिस्पेक्ट करनी जहाँ भी मौका मिला खेलने का वो छोड़ना नहीं चाहे वो क्लब लेवल हो रंजी ट्रॉफी लेवल हो इंटरनेशनल हो अगर खेल ने बुलाया है तो मंदिर की तरह हाथ जोड़ के जाना ही जाना है अच्छा बट 2011 का वर्ल्ड कप दो का वर्ल्ड कप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ग्यारह से तेरह Uh, दो आई के इवेंट्स दो uh, हज़ार का विश्व कप जो भारत में हुआ फिर 2013 का चैम्पियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई लेट्स स्टार्ट विथ 2011 इलेवन एक्चुअली क्योंकि 2011 शुरुआत वर्ल्ड कप में लिमिटेड रोल टू प्ले सारे मैचेस भी खेलने को आ, नहीं मिल रहे थे लिमिटेड रोल टू प्ले और फिर आता है क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने होता है अहमदाबाद का मैदान होता है और इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज कि वहाँ पे इधर भी गिर सकता उधर भी गिर सकता है मैच कहीं भी जा सकता था, था। हाँ। और डिफेंडिंग चैंपियंस जो रहते हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया है भैया उनसे तो सबको थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है आ, तो उस वाली इनिंग्स की क्या याद है नहीं मुझे याद है पहले वेस्ट इंडीज़ में खेला था लीग मैच में यूपा ने सौ बनाया था फिर अहमदाबाद जैसे कि एयरपोर्ट पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल डिफेंडिंग चैम्पियन वो पूरा फिर मोटेरा की मिट्टी वैसी थी वो लाल बिल्कुल लाल और बॉल वाइट से एकदम लाल हो जा रही थी उनके पास जैसिन क्रेजा डेविड हसी मिचिल जॉनसन शॉन टेट शेन वॉटसन ठक से पहले यू वी रूपाओ पा ने क्लास बनाया फिर धीरे जब मैं खेल रहा था मुझे मतलब एक वो रखा था यार अगर ये हार गए हाँ। ऐसी स्टेज में बैटिंग आ रही हाँ। तो पाजी सचिन पाजी ने ऊपर से हाथ रखा वो आउट होके आए हुए थे उस टाइम गौती भाई और यू पा बैटिंग ऐसे सुरेश गो फिनिश योर सेल्फ जैसे खेलना है खेल बस यूवी के साथ अच्छा पार्टनरशिप उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रेशर है क्या करना फिर मेरी छाती एकदम चौड़ी मैंने जो पाजी ने बोल दिया है फिर जब वॉक हुआ पूरी टीम वो फ्लैग अलग वो गाने अलग चल रहे थे वंदे मातरम फिर जो पहला वो ठक से लगा ना वो फिर फील हो गए मैंने कहा ये मैच नहीं छोड़ना फिर यूपा अच्छा बात कर रहे थे गलती नहीं करी मैंने गलती मैं करूँगा ही नहीं आप खेलो अच्छा <laughs> मैं भी खेलूंगा अच्छा <laughs> और भागेंगे बहुत जो बहुत जोर से भागे यूपा ने बड़ी क्लास बैटिंग करी थी बट बॉल अलग ही दिख रहा था वो फिर बिटली जो छक्का मारा कि वर्ल्ड कप मतलब दो तिरासी के बाद 2007 के बाद सीधा पचासवा वर्ल्ड कप 2011 में आया मतलब वो अलग फील थी वो फिर जब बैटिंग लगे तो फिर वही धोनी ने भाई ने बोला देख इसीलिए तुझे खिलाया था कि तू टेक्निकली बहुत साउंड है ये पाजी ने भी तुझे बोला था कि तू खेलेगा मैच तू बॉलिंग भी डालता है तो एक बॉलिंग का भी इफेक्ट पड़ता है सारी चीज़ें लेकिन पाजी ने का ही का कॉल था धोनी भाई के साथ भज्जू भाई ने बात किया था भाई हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी नब्बे और सौ मैच खेल चुका है ये प्रेशर मैच और धोनी भाई के रन नहीं बन रहे थे उस टाइम पर पूरा आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम फाइनल नहीं बस सेमीफाइनल में भी कैच पकड़ा माइकल क्लार्क ने वो जो हाथ में गया वो फिर पचहत्तर या साठ रन उस टाइम पे बॉल हो गया फुटबॉल मतलब मैं मैं okay. अब के के हाँ। नहीं छोड़ना बैट चाहे कितना हो इतना बड़ा दिख रहा था ट्वेंटी इलेवन वर्ल्ड कप मतलब क्योंकि एमएस के साथ दोस्ती ये दो हजार आठ में शुरू हुई थी या उससे पहले शुरू हुई थी कहा क्लिक करना शुरू किया ये yeah, एक्चुअली एक लंबी पार्टनरशिप है यू फील इट स्टार्ट आई थिंक 2004 में जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कैंप लगा था जब हमारे ट्रेनर किंग ये सब भगाते थे वो तो वहीं हमारा कैंप लगा था आप भी थे उधर पूरी इंडिया की टीम इंटरनेशनल टीम हुँ. जब टूर जा रहा था वहाँ थोड़े मिले क्योंकि वो इरफान खेल रहा था इरफान के साथ में खेला था मैं इरफान को ही जानता था टू बी ऑनेस्ट राइट उस टाइम जितने सारे मेरे सीनियर जिनको हम टीवी पे देखते थे सारे मैंने कहा भाई ये तो लेजेंड टीम है इरफान मेरे साथ खेला था धीरे धीरे फिर रॉबिन था दिनेश कार्तिक हम तुम्हारा बैच है इरफान उसे इरफान को तुम सीनियर मानते ही नहीं थे हाँ तू तो, तो, तो पड़ोसी आया <laughs> था <भी। laughs> फिर उसके बाद धोनी भाई वहाँ मिले फिर धोनी भाई की शैली थोड़ी मैं भी ऐसी स्टेट से था थोड़ा एक रहता हूँ वहाँ थोड़ा कनेक्ट होते गए होते okay. हम जब साथ में ही ट्रेनिंग करते थे साथ में हमारा यूयो टेस्ट होता वो तो अलग ही सुपर एकदम फिट थे वो हमें आसपास रखते थे आरपी भी था उस टाइम पे तो वही रहता था उस तो वहाँ कनेक्ट स्टार्ट हुआ वो जिससे पहले आप लोग नेरोबी वाला खेल के आए थे जहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था वो भी हमने एन सी ए में टी वी पर देखा था बैंगलोर में वो तो वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद दो हज़ार पाँच जब वहाँ खेलने गए अपना इंडियन ऑयल कप हुआ था यह श्रीलंका में उसके बाद फिर दो हज़ार छः में फिर इंडिया में बहुत सारे मैच हुए दो हज़ार सात में वर्ल्ड कप धोनी बै जीत के आ गए फिर जैसे दो हज़ार आठ गए फिर हम आई पी एल में वहाँ स्टार्ट हो गए तो वहाँ से फिर मुझे लगता है हम हर जगह एक साथ डेढ़ महीना साथ में रहते फैमिली से इंडिया भी हम खेल ही रहते सब मैचेस खेल रहे थे, तो फिर तीन सौ पैंसठ दिन में मुझे लगता है ढाई सौ दिन हम साथ में थे राइट right. तो फिर वहाँ से फिर माहौल बना फिर एक अच्छी दोस्ती स्टार्ट हुई फिर एक येलो टीम के लिए खेलते थे इंडिया के लिए खेलते थे मैं चाहता था कि उनको इतना ज़्यादा मैचेज जिताए जाएँ फिर ऐसे एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है तो वो मुझे उस चीज़ का बड़ा उनके साथ सीखने को बहुत मिला उस तरीके से देखें एक्चुअली तो दो हज़ार दस दो हज़ार ग्यारह ग्यारह में दो ट्रोफ़ीज देन दो हज़ार तेरह एक और ट्रॉफी मतलब ये तो चार साल

इंडिया बिकेम नंबर वन इन टेस्ट मैचेस नंबर वन इन ओडीआई दो हज़ार ग्यारह वर्ल्ड कप दो हज़ार ग्यारह भी जीते दो हज़ार दस बारह में भी

लेकिन मिस्टर आईपीएल वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट लगता है वो यार मिस्टर आईपीएल है पर क्या ये जहन में बात है कभी रहता है कि यार यार वर्ल्ड वर्ल्ड कप रह गया कप क्योंकि 2007 वाला मिस हो गया उसके बाद से हम कभी जीते नहीं, नहीं रहता है, है बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आठ या नौ वर्ल्ड कप खेला हूँ हाँ। दो हजार तेरह खेले हुए क्वालिफाई नहीं है दो में क्वालिफाई नहीं करे थे दो हजार चौदह में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी करेक्ट जो जैसा प्लेयर नहीं मार सकता तो आई थिंक वो यार्कर्स बहुत अच्छी थी वो वो हारे फिर उसके बाद मतलब फिर 2016 में विराट ने बड़ी तगड़ी बैटिंग करी थी हो, गई। वो हो गई। आश्विन की भी नो है उसके बाद आप देखेंगे फिर नहीं उसके बाद फिर उसके बाद नहीं खेले नहीं तो वो रहता है थोड़ा सा मतलब दो हजार सात के बाद ना वो भी वर्ल्ड कप नहीं है कोई भी नहीं आया मतलब बेस्ट लीग है एवर इन वर्ल्ड प्लेयर हमारे टॉप टेन रैंकिंग में है माइंड सेट बहुत अच्छा है बेस्ट डॉक्टर हैं बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेंटल टफनेस ये एक नंबर अलग ही है वो मतलब तो वर्ल्ड कप नहीं आया मतलब बहुत ताजुब की बात है उसमें मुझे बोला कि एरर हो गया है वो एरर नहीं था फिर तो जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो मैंने कहा नहीं मेरा भी हो गया वो। नहीं खेल पा रहा मतलब क्या पैसे ही सब कुछ हैं वो